वेलकम टू एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स। अब आज हम देखेंगे कि जो सेट का रिप्रेजेंटेशन है पिक्टोरियल वेन डायग्राम, उसमें क्या नहीं करना आपको, ठीक है, अवॉइड क्या करना है। सपोज आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 कंटेनिंग, ओके, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 एंड 3, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके 3 एंड 4, ठीक है। सो देखिए इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे नहीं करना है आपको। अगर आप यूं करते हैं 1 2 3 सेट ए एंड 3 4 सेट बी और ये 5, ठीक है। सो ये रिप्रेजेंटेशन आपका रोंग है। क्यों रोंग है? क्योंकि इसमें देखिए जो 3 है वो रिपीट हो गया, 3 जो है वो रिपीट हो गया, और रिमेंबर दैट कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, एक सेट में हम रिपीटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट जो है उसमें जो एलिमेंट 3 है वो एक ही बार लिखा जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम यूनिवर्सल सेट का और उसके सबसेट्स का, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को रिपीट कर देंगे, ठीक है। सो एक ही बार लिखना है हमें। देखिए कैसे लिखेंगे, 1 2 3 सेट ए एंड देन 3 एंड 4 सेट बी, ठीक है। इस एलिमेंट 3 को दोनों में इंक्लूड कर लेंगे हम, ठीक है। सो दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन, ये सही है, 5 4 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये रिप्रेजेंटेशन सही है। ऐसे ही अगर आपको कोई यूनिवर्सल सेट गिवन है, जिसके एलिमेंट्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 7 8 9 10, ठीक है, ये सेट आपको गिवन है। सो ये ए सेट है, ये बी सेट है, यूनिवर्सल सेट के ये एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपसे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कहा जाए तो कौन से लिखेंगे आप? सारे ही एलिमेंट्स जो इसमें हैं रेक्टेंगल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सेट ए के एलिमेंट्स आप क्या क्या लिखेंगे? 4 5 7 एंड 8 4 5 7 एंड 8, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने 8 यहां लिख दिया तो आप 8 यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अगर आप एलिमेंट्स की बात करें तो वो सारे एलिमेंट्स जो इस रेक्टेंगल में हैं वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं, लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है जी। अब देखिए सेट ए में, सेट ए जो है वो सबसेट है, सेट ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो सेट ए में वही एलिमेंट होंगे जो यूनिवर्सल सेट में भी है, ठीक है। सो ए के एलिमेंट्स फिर आपको यहां लिखने पड़ेंगे जिसमें 4 5 7 और 8 आ जाएंगे। अब 8 जो है वो कॉमन एलिमेंट है ए और बी का, ठीक है। सो बी के एलिमेंट्स जब आप लिखेंगे तो उसमें भी 8 शामिल होगा, 8 9 एंड 10, ठीक है। सो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि एक सेट में अगर आपने एलिमेंट्स लिख दीजिए तो दूसरे में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर वो कॉमन एलिमेंट्स हैं तो आपको वो लिखने पड़ेंगे। सपोज आपको सेट गिवन है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के। अब ये सेट ए है, ये सेट बी है आपका, ठीक है। अब एलिमेंट्स लिखना शुरू करता हूँ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, सारे ही एलिमेंट्स जो इस रेक्टेंगल में है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। फिर सेट ए के एलिमेंट्स लिखूं, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 एंड 2 1 एंड 2। अब जब सेट बी के एलिमेंट्स लिखता हूं मैं, सेट बी के एलिमेंट्स लिखूं, तो ऐसा नहीं है कि 1 और 2 को एक्सक्लूड कर दूंगा, शामिल नहीं करूंगा, ठीक है। 1 और 2 भी किस में है? बी में है। देखिए बी वाला सर्कल जहां जहां जा रहा है और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे? सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ए जो है वो सबसेट है आपका सेट बी का, ठीक है। ए जो है वो सबसेट है आपका यूनिवर्सल सेट का, बी जो है वो सबसेट है आपका यूनिवर्सल सेट का,
ठीक है। ओके, ऐसे ही जब आपके पास अगर कोई सेट इस तरीके से गिवन है, एक यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट हो गया, और उसमें एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके 1, 2 एंड 3, और एक दूसरा सेट बी है जो इस तरीके से, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स हैं इसमें 4, 5, 6, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। अब देखिए, अगर मैं यूनिवर्सल सेट लिखूं तो क्या लिखूंगा, कंटेनिंग एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। सेट ए क्या हो जाएगा इसमें, सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, जिनके जो सर्कल में हैं, ठीक है। सेट बी में अब कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखिए सेट बी किसके चारों तरफ है, सेट ए के चारों तरफ है, यानी सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट्स वही 1, 2, 3। यहाँ देखने वाली बात ये है कि सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी है, ठीक है, दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। सो अगर आपको इस तरीके से गिवन हो तो वो सेट आपके क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। अब ये ए जो है ये सेट का नाम है, ना कि बी का ये कोई एलिमेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये जो सेट ए है ये सेट ए है, ये ए जो लिखा हुआ है ये इस सेट का नाम लिखा हुआ है, ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट एन एलिमेंट, ये ध्यान रखिएगा, नॉट एन एलिमेंट, ओके, ठीक है, ये एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर आपको और सेट गिवन हो, सपोज सेट ए गिवन है आपको, सेट 1 एंड 2, सेट बी गिवन है आपको वो भी 1 एंड 2, ठीक है, यूनिवर्सल सेट गिवन है आपको 1, 2 एंड 3, ठीक है, और कहा जाएगी इसे रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, इसमें 1 और 2 ये एलिमेंट्स हो गए, ये थर्ड एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब सेट ए रिप्रेजेंट करना है तो 1 और 2 कंटेनिंग, तो सेट ए हो गया। सेट बी रिप्रेजेंट करना है तो वो उसमें भी 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके चारों तरफ रख लेंगे हम, सेट बी हो गया, ठीक है। सो इन रिप्रेजेंटेशंस का आपको ध्यान रखना है वेन डायग्राम में काम करते वक्त, ठीक है, ओके।